गाइस तो कैसे हो। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग काफी सारी चीज के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो फ्री फायर इंडिया से रिलेटेड कुछ ये वाला पोस्ट बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 25 फरवरी के दिन हम लोगों फ्री फायर गेम में स्पोर्ट टूर्नामेंट का अनाउंसमेंट या फिर कोई गुड न्यूज देखने को मिल सकती है। क्या लिटरली जो ये वाला पोस्ट है वो रियल है या फिर कोई फेक पोस्ट के बारे में तो मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा। एंड साथ ही साथ बात करेंगे हमारे मार्च मंथ के बुया पास के बारे में, हमारे गेम में आने वाले कुछ इवेंट एंड टुनाइट अपडेट के बारे में। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बगल वाले नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर से करना। गाइस इस वीडियो पे हम लोग एम करते हैं पूरे 2K लाइक का। वीडियो इतनी मेहनत की तो प्लीज 2K लाइक कंप्लीट करवा देना। चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यार सबसे पहले बात कर लेते हैं एक बहुत ही अमेजिंग चीज के बारे में, जो की यार फ्री फायर की ओर से देखने को मिला है। मुझे पता है गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। एक्चुअली गाइस देखो आप लोग देख सकते हो जो भी लोग फ्री फायर मैक्स को खेलते हैं ना, उनको कल के दिन गेम में कुछ इस टाइप का एक नोटिफिकेशन देखने को मिला है। एंड आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर क्या लिखा है, आज लॉगिन के लिए नहीं बोलेंगे पर एग्जाम के लिए गुड लक जरूर बोलेंगे। लिटरली गाइस फ्री फायर वालों ने पिछली बार से ये चीज को शुरू किया है, मतलब एग्जाम के टाइम पे वो लोग गुड लक जरूर बोलते हैं। गाइस काफी अच्छी चीज है फ्री फायर की ओर से। बाकी आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताना। हाँ यार एक चीज आप लोग कॉमेंट में जरूर बताना कि इस टाइम किस चीज से एग्जाम शुरू हो चुके हैं फिर शुरू होने वाले हैं। रितेश भाई की ओर से हर एक स्टूडेंट को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने पढ़ाई की तो बात कर ली, अब बात कर लेते हैं हमारे गेम के बारे में। इस रीजन में क्या हो रहा है ना कि गेम में बहुत ही ज्यादा इश्यू चल रही है एंड वो है लैग इशू। मतलब यार कल सोचो मेरे साथ क्या हुआ। एक्चुअली मैं गेम खेल रहा था एंड गेम खेलने में क्या हुआ ना कि एनिमी मेरे पास आ रहा था तो मैंने सोचा इसको वन टैप दूंगा, बट हुआ इसका अपोजिट। एक्चुअली क्या है ना कि जैसे एनिमी मेरे पास आया उसी टाइम क्या हुआ, पिंग इशू हाई हो गया। जब तक पिंग इशू सही हुआ उस टाइम तक मैं एक कोने में नॉकडाउन पड़ा मिला। यार ये तो मैं आप लोगों को गेम में चलने वाले पिंग इशू के हालात बता रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को पता है ना कि गेम में कितना ज्यादा पिंग इशू अभी है। ये किसी को बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन यार फ्री फायर वालों को पिंग इशू से रिलेटेड कुछ ना कुछ सोल्यूशन लेके आना चाहिए। गाइस आप लोग पिंग इशू पर क्या कुछ बोलना चाहते हो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से बोलना, हो सकता है फ्री फायर वाले इस चीज को ध्यान से देखें और पिंग इशू को सॉल्व करने की कोशिश भी करें। चलो गाइस अब बात कर लेते हैं फ्री फायर इंडिया के बारे में। बिकॉज यार शुरू में मैंने आप लोग को ये वाला पोस्ट दिखाया था जो की रिसेंट में बहुत ही ज्यादा वायरल है। इस पोस्ट का वायरल होने का सबसे बड़ा रीजन ये है की इसमें ये बताया गया की हमारे गेम में कब ई स्पोर्ट का टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। यहाँ पर मेंशन करते हुए 25 फरवरी को टारगेट किया गया है। क्या सच में हम लोग को 25 फरवरी के दिन हमारे गेम में कोई ई स्पोर्ट टूर्नामेंट देखने को मिलेगा? ये फ्री फायर इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज है। बिकॉज़ गाइस अगर आप लोग को याद होगा तो मैंने आप लोग को एक दो दिन पहले वाली वीडियो में ये बताया था कि थाईलैंड के सर्वर में फ्री फायर इंडिया का अनाउंसमेंट किया गया है। मतलब इस बार के वर्ल्ड सीरीज में काफी सारी टीम के साथ हमारी इंडियन टीम भी शामिल होने वाली है। जब हमने आप लोग को बताया ना उसके बाद फ्री फायर वालों ने इंडिया का नाम यहाँ से हटा दिया। देखा जाए फ्री फायर इंडिया के अकॉर्डिंग तो यार ये हटाना बनता भी है। बिकॉज यार आप लोग खुद सोचो कि अभी तक हमारे गेम में फ्री फायर इंडिया जब तक गेम नहीं आएगा, मतलब अभी तो गेम का हाइप है ना, मतलब गेम जैसे ही आ जाएगा उसके बाद फ्री फायर वाले वर्ल्ड सीरीज का अनाउंसमेंट करेंगे। और ये वाला जो पोस्ट आप लोग देख रहे हो जिसमें ये लिखा है कि 25 फरवरी को हम लोग को गेम में कोई ई स्पोर्ट टूर्नामेंट देखने को मिल सकता है, इसका तो मुझे नहीं पता है। बट हाँ मैं आप लोग को ये बता सकता हूँ कि अभी आप लोग को पता है ना कि हमारे एग्जाम शुरू हो चुके हैं। ये रिकॉर्ड रहा है कि जब भी एग्जाम शुरू होते हैं ना तो फ्री फायर वाले उसके बीच में कोई भी बड़ा इवेंट भी नहीं देते। जहाँ तक मुझे लगता है ना तो 25 फरवरी को तो हम लोग को कोई बड़ा एक्सपेक्टेशन देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ गाइज ये हो सकता है कि अगले महीने आप लोग को पता है कि होली है और होली भी पड़ रहा है 25 को। आई एम श्योर गाइज के आने वाले 25 मार्च तक आप लोग को गेम में कोई बड़ा अनाउंसमेंट कंफर्म से देखने को मिल सकता है। लिटरली मैं आप लोग को बताऊं तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि होली के टाइम पे ही हम लोग को फ्री फायर इंडिया से रिलेटेड कोई बड़ा गुड न्यूज मिलेगा। गाइज आप लोग कमेंट में बताओ कि क्या फ्री फायर वालों को फरवरी में ही गेम को लॉन्च कर देना चाहिए जिसमें लोगों के एग्जाम चल रहे हैं, या फिर मार्च में हम एकदम फ्री रहेंगे एंड होली का त्योहार भी रहेगा। आपके क्या कुछ राय है? जो बात कर लेते हैं हमारे गेम में आने वाले बुया पास के बारे में। बिकॉज यार आप लोगों को पता है ना कि अब जो नेक्स्ट मंथ है उसमें हम लोग को होली का इवेंट भी देखने को मिलेगा। गाइस ये तो आप लोगों को पता है ना कि हर बार होली इवेंट के टाइम पे फ्री फायर वाले हमारे इंडियन सर्वर को काफी सारे रिवॉर्ड बिल्कुल ही फ्री में देते हैं। और हाँ गाइस आप लोग भी सोच रहे हो ना कि इस बार फ्री फायर वाले हम लोग को कौन कौन से रिवॉर्ड बिल्कुल ही फ्री में देने वाले हैं होली इवेंट के टाइम पे। गाइस अगर आप लोग को भी जानना है कि इस बार होली इवेंट में हम लोग को कौन कौन से रिवॉर्ड बिल्कुल ही फ्री में मिलेंगे तो आने वाली वीडियो में मैं आप लोग को बता दूंगा। गाइस यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बगल वाले नोटिफिकेशन आइकन को ऑलवेज सेलेक्ट जरूर से कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। हाँ अभी तो हम लोग बात कर रहे थे मार्च मंथ के बुया पास के बारे में। अपकमिंग जो बुया पास है ना उसका पोस्टर कुछ इस टाइप का आप लोग को देखने को मिलेगा। देखो तो ऐसा लगता है कि अपकमिंग जो बुया पास है वो मेंढक की थीम पर बेस्ड है। अपकमिंग बुया पास में हम लोग को किस टाइप के रिवॉर्ड मिलेंगे, कौन सा बंडल मिलेगा, वो सारी चीज मैं आप लोग को बताऊंगा। बट उससे पहले आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखो, हम लोग को ये वाला ऑप्शन वापस से यहाँ पे देखने को मिल रहा है जिसमें आप लोग बुया पास जैसे ही परचेज करोगे
पूरे दिन आप लोग को एक्स्ट्रा 4 स्लॉट देखने को मिलेंगे इमोट के लिए। यार एक चीज मुझे समझ में नहीं आती है, आप लोग को पता है ना कि डिफॉल्ट में जो हमारे पास इमोट के स्लॉट है वो 8 है, भूया पास को अपग्रेड करने पे हम लोग को एक्स्ट्रा 4 इमोट स्लॉट देखने को मिल रहे हैं। तो यार आप लोग बताओ कि क्या 8 वाले इमोट स्लॉट बढ़िया है या फिर 12 वाले। चलो आप लोग को अब मैं दिखाता हूँ मार्च मंथ में मिलने वाले भूया पास के आइटम के बारे में। पहले मैं आप लोगों को कुछ भूया पास के फ्री रिवॉर्ड बता देता हूँ। फ्री रिवॉर्ड में से सबसे पहला रिवॉर्ड है ये सब वर्ड की स्किन, जो कि देखने में काफी ज्यादा नॉर्मल सी तो है लेकिन फ्री है तो बहुत अच्छी बात है। इसके पास से हम लोग को मैजिक का फ्रेगमेंट, ये बैनर एंड यार ये टुकटुक की स्किन को देखो, टुकटुक की स्किन को काफी ज्यादा सजा के रखा गया है एंड यार ये पेड़। इसके पास से आप लोग को ये ग्रेनाइट की स्किन देखने को मिलती है, जिसमें आप लोग देख रहे हो ना कि जैसे ही धमाका हो रहा है उसके बाद से मेंढक का एनिमेशन दिख रहा है। सेम वही आप लोग देख रहे हो ना कि आगे हम लोग को एक लूट बॉक्स देखने को मिल रहा है जिसका भी थीम मेंढक ही है। उसके बाद से आप लोग को ये मैक 10 की स्किन देखने को मिल रही है, जो कि देखने में काफी अच्छी लग रही है। इसका स्किन मुझे बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लग रहा है एंड उसपे भी आप लोग को मेंढक मिल रहा है। यार मैं तो ये सोच रहा हूँ ना कि जो इस बार का भूया पास है ना उसका मेल एंड फीमेल का बंडल कैसा होगा, आप लोग भी सोच रहे हो ना। तो पहले अभी देखते हैं पहले सारे रिवॉर्ड, देन उसके बाद में आप लोग आगे हम लोग को और भी काफी सारे रिवॉर्ड मिल रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हो ना ये कटाना की स्किन, जिसमें आप लोग को कोई भी एनिमेशन नहीं देखने को मिल रहा है लेकिन ये भी आप लोग को भूया पास परचेज करने में मिल रहा है। आप लोग देख सकते हो ये पैन की स्किन, जो कि हम लोग को बिल्कुल ही फ्री में मिलेगा एंड इसके अंदर फ्री फॉर वालों ने यार फ्री के आइटम में एनिमेशन डाल रखा है, काफी अच्छी बात है। आगे आप लोग को और भी काफी सारे रिवॉर्ड मिलते हैं एंड उसके बाद से आप लोग को इस बार ये वाला इमोट भूया पास के अंदर देखने को मिलेगा। लिटरली काफी फनी इमोट है, मतलब मेंढक के ऊपर एक बंदा बैठ चुका है एंड वो कूद रहा है, मतलब क्या यार क्या मजेदार बना रखा है इमोट। हाँ यार इमोट देखने में अच्छा लग रहा है, फनी टाइप का तो बहुत ही है एंड यार जिस हिसाब से वो जीप निकाल रहा है ना यार वो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग देख सकते हो इस बार मार्च बंद के भूया पास के अंदर आप लोग को ये वाला बंडल देखने को मिलेगा। नोटिस किया ये बंडल जो इसने पहन रखा है ना, इसके सिर पे आप लोग देखोगे ना तो मेंढक की दो आंखें देखने को दिख रही है, गले में कुछ लटका हुआ है जिसमें भी मेंढक ही है। वैसे भी यार मैंने बिना देखे आप लोग को बता दिया था ना कि इस बार मार्च मंथ का भूया पास है वो पूरा का पूरा मेंढक की थीम पे बेस्ड है। आप लोग तो बताओ कि आप लोगों ये वाला भूया पास जो है ना वो कैसा लगा, या फिर इस बार आने वाले भूया पास के अंदर आप लोगों कौन सा रिवॉर्ड सबसे ज्यादा बेहतरीन यानी कि अच्छा लगा। चलो गाइस अब बात कर लेते हैं टुनाइट अपडेट के बारे में, यानी आज रात 12 बजे आप लोगों को हमारे गेम में कौन सा बड़ा इवेंट या फिर अपडेट देखने को मिलेगा। आप लोगों को मैं बता दूं कि आज रात 12 बजे आप लोगों को हमारे गेम में कोई भी खास बड़ा इवेंट देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आप लोगों को मैं बता दूं ना कि 24 तारीख को हमारे गेम में अच्छे इवेंट आने वाले हैं। क्या कुछ खास इवेंट आने वाले हैं वो तो मैं आप लोगों को आने वाले वीडियो में सब कुछ बता दूंगा। हां गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है ना कि मार्च मंथ में हमारे गेम में होली का इवेंट भी है, तो होली के इवेंट में हम लोग को कौन कौन से रिवॉर्ड बिल्कुल ही फ्री में मिलेंगे। आप लोग चाहते हो कि अगर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को होली के रिवॉर्ड बताऊं ना तो आप लोग मुझे कॉमेंट करना, गाइस मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग को होली इवेंट के रिवॉर्ड के बारे में जानना है या फिर कौन से इवेंट आने वाले हैं उन चीजों के बारे में जानना है। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस एंड मेरे साथ मिलकर बोलो जय जय श्री राम।